मॉड्यूल ट्वेंटी एन्जाइटी एन्जाइटी इज ऑल्सो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जिसके अंदर द पर्सन इज फीलिंग सो मच अप्रीहेंशन अबाउट द फ्यूचर और वो बहुत ज़्यादा वरी करता है कि वट विल बी गोना हैपन इन द फ्यूचर उसकी जितनी भी सोच होती है जितनी भी उसकी थिंकिंग प्रोसेसिंग होती है दैट इज़ ऑल अबाउट द फ्यूचर के आगे क्या होगा इसके बाद क्या होगा मेरा इम्तहान अच्छा नहीं होगा मैं पेपर अच्छा नहीं दे सकूँगा मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे यानी जितनी भी उसकी थॉट प्रोसेसिंग है वो सारी अप्रीहेंसिव होती है अबाउट द फ्यूचर अब इसके अंदर दो चीज़ें हैं एक ये होता है कि एक एनजाइटी वो होती है जो आपको डिसफंक्शनल कर देती है आपको किसी भी किस्म का काम करने नहीं देती एक एन्जाइटी वो होती है जिसे हम परफॉर्मेंस एन्जाइटी कहते हैं और परफॉर्मेंस एन्जाइटी की बेसिस के ऊपर आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर हो जाती है अब ये दोनों चीज़ें डिफरेंट कैसे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सुबह जाके क्लास के अंदर कोई प्रजेंटेशन देनी है एंड यू आर वर्ड कि मेरी प्रजेंटेशन जो है वो मैंने प्रजेंट करनी है और मेरा उसके लिए भी काम पूरा नहीं हुआ या मुझे उसे बहुत अच्छे से प्रजेंट करना है और अगर मैं नहीं पढ़ूँगा तो मेरी प्रजेंटेशन अच्छी नहीं होगी दिस इज़ कॉल्ड एस परफॉर्मेंस एनजाइटी जो आपको फंक्शनल रखती है जो आपको बेहतर नंबर या बेहतर ग्रेड्स लेने में हेल्प करती है ठीक है तो ये परफॉर्मेंस एनजाइटी है अगर ये इन्जाइटी इतने ज़्यादा लेवल पे हो जाए कि आप पढ़ ही ना सकें आपके अंदर आपके अंदर एबिलिटी ही ना रहे कि आप कुछ रीड कर सको और आपके जहन के अंदर बार बार ये ख्याल आए कि मैं तो फ़ेल हो जाऊंगा मेरे से तो सुबह जाके प्रेजेंटेशन ही नहीं दी जाएगी आ, पता नहीं लोग आ, कैसे रिएक्ट करेंगे मेरे से कुछ बोला भी जाएगा कि नहीं बोला जाएगा और जब ये सारे थॉट्स आपके दिमाग के अंदर इनकलकेट होना शुरू हो जाए तो आप जो है वो डिसफंक्शनल हो जाते हो एंड यू आर अनएबल टू डू समथिंग तो इस किस्म की जो सवियर एनजाइटी होती है आ, वो आपकी डेली लाइफ की प्रैक्टिसेस को इफ़ेक्ट करती हैं इसके एग्ज़ाम्पल आप यूँ भी समझ सकते हो अक्सर आपने सुना होगा कि बच्चों को एग्ज़ाम एन्जाइटी होती है अब एग्ज़ाम एन्जाइटी क्या है अगर तो आपको एग्ज़ाम एन्जाइटी ये है कि मैं रात को पढ़ूंगा नहीं या मैंने अगर तैयारी नहीं की तो मेरे पेपर अच्छे नहीं होंगे इट इज़ अ रियलिस्टिक एन्जाइटी डेफिनेटली अगर पढ़ा नहीं होगा तो आपके पेपर्स अच्छे नहीं होंगे लेकिन अगर आपके अंदर ये एंगजाइटी हो रही है कि मुझे अच्छे नंबर लेने हैं और मुझे उसके लिए पढ़ना है तो दैट लीड यू टू वुड्स द परफॉर्मेंस एन्जाइटी आप बेहतर तौर पे पढ़ोगे और अच्छे नंबर ले लोगे बट अगर वो इन्जाइटी इतनी ज़्यादा है कि यू स्टार्टेड टू फील नोज़िया आपको वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई है आपके हेड स्टार्ट हो गया है आपका सर घूमना शुरू हो गया है और आप से किताब खोलते हो तो सर चकराना शुरू हो जाता है वर्ड्स आगे पीछे होना शुरू हो जाते हैं कुछ समझ ही नहीं आती फजटिंग स्टार्ट हो गई है तो ये जब फीलिंग्स और ये स्टेट जब आना शुरू हो जाए ये सिम्टम्स जब आना शुरू हो जाए तो डेफ़िनेटली ये आपको डिसफंक्शनल कर देंगे एंड यू आर अनएबल टू परफॉर्म एनी तो इस किस्म की एंगजाइटी जो है वो सवेर एन्जाइटी है और वो एन्जाइटी डिसऑर्डर uh, बन जाता है अच्छा अब इसके अंदर जो सिम्टम्स ऑफ एंगजाइटी हैं यानी हम किस वक्त कहेंगे कि एक जो बच्चा है उसको ये अब इन्ज़ाइटी के फीचर्स आना शुरू हो गए हैं उसमें फ़िज़िकल सेंसेशंस भी होती हैं अनसाइकलॉजिकल सेंसेशंस भी होती हैं फ़िज़िकल सेंसेशंस में क्या है कि नोज़िया फ़ील होना शुरू हो जाए उसको सिकनेस फ़ील होना शुरू हो जाए उसके मसल्स और हेड बहुत ज़्यादा फ़ील होना शुरू हो जाए ये अक्सर आपने देखा होगा कि एग्ज़ाम्स के दिनों में बच्चे बहुत ज़्यादा रिपोर्ट करते हैं कि उनके मसल्स और हेड एक उनको हो रहा है तो ये बेसिकली इसलिए हो रहा होता है क्योंकि दे फील दम सेल्फ एंशियस और दे हैव लाइक हाइट हाइट एंड ऑफ एनजाइटी देन इसी तरह उनको लगता है कि उनको डिजीनेस फील हो रही है उनकी ब्रीदिंग जो है बहुत फास्ट हो जाती है स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है इसी तरह उनकी इरेगुलर हार्ट बीट हो जाती है ब्लड प्रेशर रीज हो जाता है स्लीप उनको नहीं आती स्लीप में डिफ़िकल्टी होती है बहुत ज़्यादा यूरिनेशन स्टार्ट हो जाती है या लेस यूरिनेशन स्टार्ट हो जाती है इसी के साथ साथ उनको स्टमक के अंदर फील होता है कि देर इज़ समथिंग इज मूविंग इन इन अ राउंड एंड राउंड शेप इन देयर स्टमक तो ये जो सारी फिजिकल सेंसेशन अगर एक बच्चे के अंदर आना शुरू हो जाए तो डेफिनेटली वो बच्चा जो है विल अनएबल टू डू और परफॉर्म एनी थिंग तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि जिसका आपने ख्याल रखना है कि अगर एक बच्चा इस किस्म के सिम्टम्स रिपोर्ट कर रहा है तो दैट्स मीन कि उसके अंदर एनजाइटी के फीचर्स आ रहे हैं इसी तरह साइकोलॉजिकल सेंसेशंस होती हैं उसमें क्या होता है कि बच्चा टेंस फील कर रहा होता है नर्वस फील कर रहा होता है चेयर के बिल्कुल एज के ऊपर बैठा होगा और उसकी जो आ, फीलिंग है वो बहुत ज़्यादा फियरफुल फ़ील कर रहा होगा और वो बार बार कहेगा कि मुझे डर लग रहा है मुझे खौफ आ रहा है इसी तरह जब आप उसे देखोगे तो आपको फ़ील होगा कि वो एंक्शियस है यानी उसकी आइज़ जो है वो बिवडल्ड होंगी बहुत बड़ी बड़ी खुली हुई होंगी बहुत ज़्यादा उसकी बॉडी जो है वो अपचर्क होगी और आपको फ़ील होगा कि ये बच्चा जो है ये एंक्शियस है इसी तरह उसका जो दिमाग है जो मैंने आपको पहले बताया था कि उसके अंदर तो जो थाट्स हैं वो इस किस्म की आ रही होंगी कि मैं नहीं कर सकूँगा एवरी थिंग इज़ रिलेटेड विद द फ्यूचर अप्रिहेंशनस बहुत ज़्यादा होंगी इसी तरह वो अपने हर चीज़ के बारे में नेगेटिव सोचेगा कि मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे मेरा पेपर अच्छा नहीं आएगा मुझे पेपर आता नहीं होगा मेरे से सिलेबस कवर नहीं होगा इस किस्म के जो थाट्स हैं या जो भी सिचुएशन से रिलेटेड उसके थाट्स हैं वो इसी तरह के नेगेटिव आ रहे होंगे इसी तरह वो बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो रहा होगा कंसनट्रेशन उसकी किसी चीज़ पर नहीं फोकस वो नहीं कर पा रहा होगा जिसकी वजह से डेफिनेटली वो पढ़ भी नहीं सकेगा और सर्टेन टाइम वो अपने आप को बिल्कुल नम फील करेगा कि उसके अंदर किसी किस्म की सेंसेशंस या फीलिंग्स ही डेवलप नहीं हो रही जब इस किस्म के सिम्टम्स एक बच्चे के अंदर आना शुरू हो जाएं और वो आपको बताए कि उसको फ्यूचर्स से लेकर बहुत ज़्यादा अप्रीहेंशनस हैं तो दैट चाइल्ड हैज़ मैनिफेस्टेड द एन्जाइटी डिसऑर्डर Thank you.